दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बुराक और आप YouTube चैनल देख रहे हैं वीटिंग विद बुराक। एक्सरसाइज नंबर लास्ट पेपर था, लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.10 रूल्स टू बी फॉलोड, ये रूल्स आपने फॉलो करना है। देखिए आपको इक्वेशन इस आपने रूल्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। अब देखिए आपको एक इक्वेशन दिया होगा इस तरह की इक्वेशन, वाई डबल डैश प्लस पी इंटू एक्स पी ऑफ एक्स इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट या डैश प्लस क्यू इंटू एक्स वाई इक्वल टू आर एक्स, इस तरह की इक्वेशन ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। ना वाई सी आपने किस तरह मालूम करना है, वाई वन एंड वाई टू आर द सोल्यूशन। आपने ये जो है ना ये मालूम करना है, किस तरह मालूम करना है क्वेश्चन में आपको सारा डिटेल बताऊंगा इसी वीडियो में, तो आए तो मेरे साथ रहिए, कहीं जाए मत, ठीक है। अच्छा ये आपको इस तरह वाई वन और वाई टू देखिए ये इसकी सॉल्यूशंस है, किस तरह ये जनरल फॉर्म आपको दिया है, वाई डबल डैश प्लस पी इंटू वाई डैश प्लस क्यू इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब रेसकियन जो मेथड है वो क्या होता है, वो असल में इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होते हैं, तो वो इस्तेमाल होता है वाई वन और वाई टू जो आपने सपोज किए थे, जो आपकी सॉल्यूशंस थे इस इक्वेशन के, वो आपने मालूम करना है कि इसकी जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जब ज़ीरो होगा तो फिर ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। फिर आपके साथ वो जो वाई पी है वो चूज नहीं होगा, क्योंकि हम डब्ल्यू एक्स जब रिंगसन वाले जो जो भी है बस उसको नाम दे दें, मैथ्स है जो नाम देते हैं वो बस। अच्छा तो वो जब यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, शाबाश, ये हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा। नाउ हमने इसलिए मालूम करना है, ठीक है, इसलिए YC तो हमारे पास मालूम हो जाएगा, किस तरह M1 से और M2 से आप जब मालूम करोगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आया ये डिफरेंट है तो इसके लिए कौन सा Y सपोज करना है, ये सेम है उसके लिए कौन सा आपने सपोज करना है, और इसके लिए और जब कॉम्प्लेक्स हो तो उसके लिए कौन सा आपने सपोज करना है। तो वाई पी के लिए हमारे पास असल में ये वाई वन और वाई टू को जो है ना वो आप देखने के लिए क्या है, ये इसकी डिटर्मिनेंट ज़ीरो है कि नहीं है, ठीक है। ना रेस्किन ये कहता है, रेस्किन है कि रास्किन है जो भी है, वाई पी इक्वल टू ये आपने वाई पी के लिए ये फार्मूला जनरल फॉर्म आपने याद करना होगा, रट्टा करना होगा, ठीक है। वाई वन इंटू इंटीग्रल ऑफ वाई टू आर एक्स, ठीक है, डब्ल्यू एक्स, या मैं आपको समझाता हूँ, सिर्फ देख ले वाई टू वाई वन इंटीग्रेशन ऑफ आर एक्स डिवाइड बाई डब्ल्यू एक्स, ये आप देख ले। वाई वन आपने क्या किया था, आपने वाई सी से मालूम करना है, वाई सी जब आपके पास वो सोल्यूशन आ जाए ना, सोल्यूशन आ जाए तो इससे वाई वन हमारे पास आपने सपोज करना है और वाई टू भी आपको वो दोनों आ जाएंगे, तो इस वैल्यू में वाई टू और वाई वन तो हो गया ना। आर एक्स क्या है, आर एक्स ये है जो इक्वेशन के राइट साइड पे जो जो कुछ दिया हो, ये आर एक्स है, आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना। डब्ल्यू एक्स क्या है, जो रेसकियन से जो डिटर्मिनेंट से जो चीज़ आया है वो हमारे पास ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो जो कि ये है, ये हमारे पास क्या असल में ये डब्ल्यू एक्स है, डी एक्स तो आप जानते हैं। y2 हमने डिफाइन किया कि वाई सी से हम मालूम करेंगे, y1 भी और आर एक्स डिवाइड बाई आर, सिर्फ ये चेंजिंग इस तरह है कि इसके साथ माइनस है और ये y1 है बाहर और ये y2 है, और ये अंदर y2 है और ये y1 है, सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। ना क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर वन, वाई डबल डैश माइनस फोर वाई डैश प्लस फोर वाई इक्वल टू ई पावर टू एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। ना वाई सी के लिए मैंने कहा था कि एम स्क्वेयर किस तरह इसका डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव जब अप्लाई होता है तो एम स्क्वेयर लगाते हैं हम, और जब माइनस फोर वाई डबल माइनस फोर अपनी जगह पर और एम की जगह हम वाई डैश की जगह हम एम लगाते हैं प्लस फोर, और वाई की जगह हम जब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले ले तो क्या आता है, 1 आता है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 4 बनता है इक्वल टू 0। नाउ ये 0 कहां से आया, ये हमारे पास जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं ना तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन होना चाहिए। होमोजेनियस इक्वेशन कौन सा होता है, जिसके राइट साइड पे
ज़ीरो हो, ये टर्म ज़ीरो हो, तो इसी वजह से आपको एम वन और एम टू मिल जाएंगे जो कि फोर है, ठीक है, इसमें फोर है ना। वैसे हम पीछे जाएंगे वीडियो जो मैंने अपलोड किए उसकी तरफ जाएंगे, 2.9 2.8 उस एक्सरसाइज में आप देख ले, जब हमारे पास रूट्स सेम हो तो कौन सा इक्वेशन आपने सपोज करना है वाई सी के लिए, सी वन प्लस सी टू एक्स ई पावर टू एक्स, ठीक है, सी वन ई पावर टू एक्स, देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, टू एम की जगह हमने जो है ना वो फोर, देखिए ये फोर, ये टू है, ठीक है, ये टू है, अच्छा ई पावर टू एक्स टू हमने पुट किया, तो सी वन इसके साथ मल्टीप्लाई करें ई पावर टू एक्स प्लस सी टू एक्स ई पावर टू एक्स, ठीक है। नाउ ये हमारे पास सी वो टू के साथ जो टर्म है वो हमारे पास क्या है वाई टू, और सी वन के साथ जो टर्म है ये वाई वन है, ठीक है, इसमें समझ आए, मैंने आपको कहा कि उससे मालूम होता है, तो ये इससे मालूम हो गया कि नहीं। नाउ रेंशन रेस्क्यू के रेस्क्यू है कि क्या है वो डिटर्मिनेंट मालूम करें, यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट किस तरह मालूम होगा, डिटर्मिनेंट इस तरह वाई वन और वाई टू आपने सपोज किया था और उसका डेरिवेटिव सेकंड रो में लिख लेंगे, ठीक है, सेकंड रो में उसके वाई वन और वाई टू का डेरिवेटिव लिख लेंगे, इस तरह आप वाई वन और वाई टू आपने सपोज किया या पे क्या ई पावर टू एक्स और एक्स ई पावर टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव नीचे लिख लेंगे, ई पावर टू एक्स और एक्स ई पावर टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, टू ई पावर टू एक्स डेरिवेटिव तो आप जानते हैं, अच्छा फिर जो है ना ये और इसके साथ मल्टीप्लाई करें माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो इससे आएगा हमारे पास ई पावर फोर एक्स, ठीक है, ई पावर फोर एक्स डब्ल्यू एक्स आएगा, ठीक है। नाउ इसमें वैल्यू में इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते जाएं, वाई वन हमारे पास क्या आया था वाई टू, वाई वन और वाई टू क्या आया था माइनस ई पावर टू एक्स और वाई टू एक्स ई पावर टू एक्स, और r क्या आया था आर एक्स, आर एक्स मैंने आपको बताया कि ये होता है, ठीक है, तो जब ये आप पुट करोगे डी एक्स डिवाइड बाई डब्ल्यू एक्स हमारे पास क्या आया था डब्ल्यू एक्स ये है प्लस x, इस तरह ये भी पुट करते रहे, ठीक है, ई पावर एक्स, इस फार्मूले से आप देखते रहे, मैंने आपको बताया ये y2 आपको वो गिवन है y2 ये है और y1 वो वाला है और आर एक्स जो है ना ये है और डब्ल्यू एक्स हमने ई पावर फोर एक्स मालूम किया। नाउ बस इसमें वैल्यू पुट दे रहे और माइनस ई पावर टू एक्स इसका इंटीग्रेशन ले ले, ये कट जाता भी है, ये काटती भी है, जो काटते जो टर्म काटते ये इससे देख ले, तो आप देखें वाई ये हमारे पास वाई पी हो गया। नाउ वाई पी वाई फुल वाई किसके बराबर है वाई सी प्लस वाई पी, तो वाई सी हमने मालूम किया था सी वन प्लस सी टू एक्स वाई पी इसके साथ ऐड करें, ठीक है, तो इसके साथ आपके आंसर आ जाएगा। ये इसी तरह ही क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, एम स्क्वेयर प्लस नाइन, ठीक है, प्लस नाइन एम इसके साथ नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये डेरिवेटिव और ये जीरो होना चाहिए, एम इक्वल टू प्लस माइनस थ्री आयोटा कम्प्लेक्स है, ठीक है, कम्प्लेक्स की ये फार्मूला आपने पुट करना है, ये फार्मूला ब्लर ब्लर तो नहीं है अब, ठीक है, ठीक है, वाई सी इक्वल टू सी वन साइन एक्स सी टू और सी वन जो है ना ये वाई टू सपोज करे ये वाई वन सपोज करे और चूजिंग फॉर वाई पी, वाई पी के लिए आपने सपोज करना है फर्स्ट वी विल ना रेस्किन जो है ना वो सप वो डिफा कैलकुलेट करे, ये वाई वन है और ये वाई टू है, वाई वन वाई टू वाई डैश मतलब इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, फिर माइनस करते जाए डिटर्मिनेंट तो आप जानते हैं, तो माइनस थ्री आपका आंसर होगा। नाउ वाई पी में इस फार्मूले में हमारे पास इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करते जाए तो आपके पास माइनस साइन एक्स, ठीक है, वाई वन हो जाएगा और कॉस थ्री एक्स वाई टू हो जाएगा और ये जो है ना आर एक्स हो जाएगा और डिवाइड बाई माइनस थ्री जो है ना वो डब्ल्यू हो जाएगा प्लस कॉस वाई टू वाई वन आर डिवाइड बाई माइनस थ्री डब्ल्यू, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन करें, मैंने इंटीग्रेशन किया है आप देख लें आपको पता चल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्री भी इसी तरह ही है, ठीक है, आप उसको स्टेप वाइज देख सकते हैं, आसान है, बस फार्मूला याद करें फिर जस्ट क्रैक डाउन द प्रॉब्लम। इसी तरह है जिस तरह मैंने वो दो क्वेश्चंस जो है ना वो सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर फोर अगर किसी को चाहिए, क्वेश्चन नंबर फाइव अगर किसी को चाहिए, सिक्स किसी को चाहिए, टेन किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप करें इस नंबर पे, ठीक है, टेन तक आप जितने भी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 2.10 की चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ आपका जो डिफरेंशियल का काम तमाम।